आधी रात के समय अचानक घर के कमरे में से सास के चीखने की आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही सास चीखती है तो उसके बाद उसका दामाद, जिसका नाम राघव था, एकदम से उसके कमरे में जाता है और पूछता है कि सासू जी क्या दिक्कत है। तो सास कहती है कि मुझे बहुत जोर का बुरा भयानक सपना आया था और मुझे फिलहाल यहाँ पर डर लग रहा है। उसके बाद राघव दामाद कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आ जाओ, वहाँ तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि घर के अंदर दोनों यही अकेले ही थे, सास और दामाद राघव दोनों अकेले थे। अब जो सास होती है राघव के कमरे में चली जाती है, वहाँ उसी बेड पर दूसरी करवट लेकर सो जाती है। दोनों एक बेड पर सोए हुए थे, धीरे धीरे कुछ बात करने लगे और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ करवट लेते हैं और एक दूसरे से लिपट कर सोने लगते हैं और इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। आखिर क्या हुआ था दोस्तों? संबंध बनने के बाद फिर ऐसा कांड होता है जिसके ऊपर यकीन करना भी मुश्किल है, और जब अगर इस कांड के ऊपर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी विश्वास करने योग्य है ही नहीं। तो पूरी जानकारी यहाँ पर जानने वाले हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। और दोस्तों लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम लूँगा जो हमारे वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं और अपनी राय देते हैं। कुछ एक नाम हैं जिनको मैं यहाँ पर वीडियो के अंत में लूँगा और कोशिश किया करूँगा जब नाम इकट्ठे हो जाएँ तो उनको मैं वीडियो के अंत में लिया करूँ। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों दिल्ली के वसंत विहार में यह घटना घटती है। दिल्ली के वसंत विहार में एक राघव जैन नाम का लड़का जो कि 36 साल का है, उसके साथ उसका छोटा भाई विनय जैन जो कि 32 साल का है, इन दोनों की एक ज्वेलर्स की दुकान थी और इनके माता पिता की मौत हो चुकी थी और जो राघव जैन है उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। दोस्तों 4 साल पहले राघव जैन की शादी हुई थी। छोटा भाई जो विनय जैन है वह अभी कंवारा था। ये दोनों भाई आराम से रह रहे होते हैं, घर के अंदर भाभी थी, अच्छा खाना बन जाता था क्योंकि अब तक ये दोनों भाई बड़े हुए थे। हालांकि इनके पास पुश्तैनी ज़मीन थी और ज्वेलर्स का काम था, खूब काफ़ी धन था, लेकिन माँ बाप की कमी सबसे बड़ी कमी होती है। माँ बाप की कमी को पैसा पूरा नहीं कर सकता है। हालांकि इनके घर में खाना बनाने वाले कुक भी थे, काम करने वाली जो नौकरानी होती वो भी थी, लेकिन अब शादी हो चुकी थी राघव की, तो यह दोनों भाई बहुत खुश थे। घर में खाना बनाने वाली है, घर को संभालने वाली है। लेकिन दोस्तों जैसे ही शादी के तीन साल गुजरते हैं तो बीमारी के चलते उस पत्नी की मौत हो जाती है जो राघव की पत्नी थी। अब राघव की पत्नी की जब मौत हो जाती है तो अब राघव डिप्रेशन में आ जाता है। ना किसी से बात करना, ना हंसना, ना बोलना, सिर्फ दुकान पर आना और फिर खाना खा के सो जाना। छोटा भाई जो विनय होता है बड़ा परेशान होता है कि भैया इस तरह से काम नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो दूसरी शादी कर लो। लेकिन राघव कहता है नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी की यादों को दिल से नहीं निकाल सकता। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। विनय अपने बड़े भाई को देखकर बड़ा उसको तरस आता कि मेरा भाई अकेला कैसे रह गया, लेकिन वह करता भी तो करता क्या, भाई दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं और भाई तो बस ऐसे मायूस बैठा रहता, ना हंसता ना बोलता। अब दोस्तों विनय की 4 महीने पहले एक लड़की से मुलाकात हुई थी जो छोटा भाई है 32 साल का, वह भी अपने भाई के साथ ही ज्वेलर्स की दुकान में काम किया करता, उसको संभाला करता। तो छोटे भाई विनय की एक लड़की से 4 महीने पहले मुलाकात हुई थी, उन दोनों की दोस्ती होती है और दोनों को प्यार हो जाता है और 4 महीने से इन दोनों के बीच में लफड़ा चल रहा था। अब एक दिन वह लड़की विनय को मिलने के लिए बुलाती है पार्क में और मिलते मिलते लड़की कहती है विनय से कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, इस तरह से हम कब तक मिलते रहेंगे। अब जो विनय होता है वह तो तैयार हो जाता है कि बहुत बढ़िया बात है, शादी हम कर लेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। अब जो विनय होता है इस बात को अपने बड़े भाई राघव को बताता है कि भैया एक लड़की से मैं प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ उसको, और वह मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, क्या मैं कर लूँ। और राघव को अपनी उस गर्लफ्रेंड का फ़ोटो दिखाता है। राघव जैसे ही लड़की का फ़ोटो देखता है तो वह खुश हो जाता है कि हाँ छोटे बिल्कुल तुम्हारी शादी करवाएंगे और कल चलते हैं, लड़की से कह दो हम देखने के लिए आ रहे हैं। अब राघव और उसका छोटा भाई विनय देखने के लिए पहुंच जाते हैं उस लड़की श्रद्धा के घर। उस लड़की का नाम श्रद्धा था दोस्तों। अब जैसे ही ये दोनों भाई वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धा भी वहाँ पर होती है और श्रद्धा की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। माँ का नाम होता है वैशाली और वैशाली कुल 45 साल की थी, लेकिन दोस्तों उसकी उम्र ऐसी लगती नहीं थी, उसका शरीर फिट था और अच्छी खासी वह खूब सुंदर थी।
अब जैसे ही वैशाली वहाँ पर आती है लड़की की माँ, तो उसके ऊपर राघव की जब नज़र पड़ती है तो वह तो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऊपर से राघव को यह भी मालूम पड़ता है कि सिद्धा के पिता पुलिस में थे और उनकी पहले ही एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है, तो घर के अंदर दोनों माँ बेटी रहती हैं। अब राघव की नज़र में वह जो लड़की की माँ है वैशाली, वह बस जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर रिश्ता तय किया जाता है और तारीख रख दी जाती है वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे आता है, खूब तो यह लोग शॉपिंग करते हैं क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी, कमी ही नहीं थी। शादी इनकी बड़े धूमधाम से वैलेंटाइन डे वाले दिन हो जाती है। शादी होने के बाद श्रद्धा अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है, यहाँ पर एक दो दिन रहती है। लेकिन अब पीछे से जो श्रद्धा की माँ है वैशाली, वह बीमार पड़ जाती है और वह फ़ोन करती है, श्रद्धा बेटी मैं बीमार हो गई हूँ, तो मेरे पास आ जाओ। तो जो श्रद्धा होती है अपने पति विनय को लेकर के माँ को देखने के लिए जाती है, तो वह माँ को बुखार था। इधर से जो राघव होता है वह विनय से पूछता है कि तुम कहाँ गए, आज दुकान पर नहीं पहुँचे। तो विनय कहता है कि भैया जो सासू माँ है वह बीमार हैं, मैं उनको देखने के लिए गया हूँ, अकेली रहती हैं बेचारी, कैसे इलाज करवाती, हम उसको दवाई वगैरह दिलवा करके आएंगे। लेकिन राघव कह देता है कि तुम ऐसा करो, दवाई वगैरह हम यहाँ पर दिलवा लेंगे, उसको तुम यहीं पर ले आओ, हम इलाज करवा देंगे। अब पता नहीं राघव के मन में क्या चल रहा था, या फिर हो सकता है वह इंसानियत के तौर पर कह रहा हो, लेकिन राघव ने यह कह दिया था कि तुम अपनी सास जिसका नाम वैशाली है उसको यहीं पर ले आओ, यहीं पर इलाज करवा लेंगे। अब जो छोटा भाई विनय होता है वह अपनी सास को अपने साथ अपने घर पर ही ले आता है। उसके बाद शाम को जो बड़ा भाई राघव है वह वापस घर लौटता है और आकर के वह बैठ जाता है और अपनी सास को एकटक लगाकर देखता ही रहता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और हो सकता है राघव ने अपनी आँखें सेकने के लिए बुलाया हो। अब यहाँ पर जो विनय है वह हनीमून की प्लानिंग तय किए हुए थे, यानी कि हनीमून की ट्रिप थी, लेकिन अब सास घर में आ चुकी थी, बीमार थी, अब वह करते भी तो करते क्या। विनय अपने भैया से कहता, राघव से, भैया क्या करूं, हनीमून जाते लेकिन अब कैसे करूं, अब तो जाया नहीं जाएगा। लेकिन राघव कहता है, नहीं नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं आप देख लूँगा पीछे से, मैं अपने आप संभाल लूँगा, दवाई ही तो दिलवानी है, मैं दिलवा ले आया करूँगा दवाई। अब विनय और उसकी पत्नी श्रद्धा तैयार हो जाते हैं और दोनों हनीमून के लिए निकल जाते हैं 15 दिन के लिए। अब घर पर रह जाता है राघव और उसकी छोटे भाई की सास जिसका नाम है वैशाली, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब दोस्तों शाम होती है, शाम को जो राघव होता है घर पर आ जाता है और खाना वगैरह उसकी सास बनाए हुए पाती है। खाना खाने के बाद वह उससे बात करके सो जाता है। सुबह जैसे ही उठता है तो राघव सबसे पहले चाय बनाता है, क्योंकि उनको तो आदत थी सुबह चाय वगैरह तो बना लिया करते थे, खाना तो नौकरानी बनाती लेकिन चाय तो वह कभी भी बना लिया करते थे। चाय बनाकर वह अपनी सास को देता है, लेकिन सास कहती, अरे राघव तुमने क्यों बनाई, चाय तो मैं ही बना लेती। उसके बाद राघव रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगता है अपने हाथ से खिलाने के लिए, लेकिन जो वैशाली होती है वह कहती है, नहीं नहीं तुम हटो, नाश्ता मैं अपने आप बना लूँगी। अब वैशाली नाश्ता वगैरह बना लेती है, खाना तैयार करके वे दोनों एक मेज़ पर बैठते हैं और खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं। राघव होता है वह कहता है कि आपने शादी क्यों नहीं की पति के मरने के बाद, अभी तो आप जवान हो, अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है। लेकिन वैशाली कहती है कि कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर सकूँ या जो मेरे मेल का हो। अब उधर से वैशाली कहती है कि राघव तुमने शादी क्यों नहीं की, तुम्हारी तो अभी जवान उम्र है। लेकिन राघव भी कहता है कि मुझे भी कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं शादी कर सकूं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, यानी कि दोनों के मन मिल चुके थे। अब बातें करते 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 दोनों एक दूसरे को भा जाते हैं। और फिर दोस्तों अब क्या होता है, शाम हो जाती है, राघव अपने कमरे में सोया हुआ था, वैशाली अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी चीखने की आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ। उसके बाद राघव उसके कमरे में जाता है, वह कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव उसको अपने कमरे में ले आता है, अपने बेड पर सुला देता है और आप करवट लेकर सो जाता है। लेकिन रात को बात करते करते दोनों एक दूसरे की तरफ करवट ले लेते हैं और फिर दोनों के संबंध बन जाते हैं। दोस्तों अब इन दोनों के संबंध बन चुके थे, बहुत खुश थे और आगे 15 दिन इनको खाली मिलने वाले थे, क्योंकि भैया भाभी तो हनीमून पर गए थे। दोस्तों अब क्या होता है, सुबह होती है तो राघव अपनी सास को दवाई वगैरह दिलवाने बाज़ार ले जाता है और खूब शॉपिंग वगैरह करवा कर लाता है, तो वैशाली बहुत खुश थी। उसके बाद राघव उसके आसपास ही घूमता रहता, दुकान से कई के चक्कर घर पर मार देता और रात दूसरी होती है तो दूसरी रात भी वह पूरी रात भर संबंध बनाते हैं। इसी तरह से लगातार 15 दिन तक वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को
खूब प्यार करते हैं। 15 दिन गुजर जाते हैं तो अब जो छोटा भाई होता है विनय, वह और उसकी पत्नी वैशाली, वह और उसकी पत्नी श्रद्धा वापस हनीमून से घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद दोस्तों अब जो बड़ा भाई राघव होता है वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो वैशाली होती है सास वह कहती है कि हम शादी कैसे कर सकते हैं, ज़माना नहीं मानेगा और तुम्हारे भैया और भाभी नहीं मानेंगे और मैं क्या कहलाऊँगी, मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम्हारा भाई मुझसे क्या कहेगा, मुझसे सास कहेगा या फिर भाभी कहेगा, क्या कहेगा। लेकिन जो राघव होता है वह कहता मैं भाई से बात करूँगा। इधर वैशाली कहती है चलो मैं भी बात करूँगी बेटी से। जब दोनों घर आ जाते हैं छोटा विनय और उसकी पत्नी श्रद्धा, तो राघव अपने भाई से बात करता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो विनय कहता है कि यह तो बहुत बढ़िया बात है भैया, मैं इसी दिन से तो कह रहा था तुमसे कि तुम शादी कर लो, वह लड़की कौन है जिससे शादी करना चाहते हो। तो राघव कहता है कि वह तुम्हारी सास है वैशाली, उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर के विनय बौखला जाता है कि भैया तुम्हें शर्म भी नहीं आई, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा रिश्ता क्या है, ऐसी शादी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों जो वैशाली है वह भी अपनी बेटी श्रद्धा से कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन श्रद्धा भी मना कर देती है। अब सुबह से शाम तक घर के अंदर गहमा गहमी का सा माहौल होता है। शाम होती है, शाम को श्रद्धा दूध बनाती है पूरा जग भर करके और सभी लोगों को दूध पिलाती है कि ये लो दूध पियो, बाकी बाद में बात करेंगे, तुम तो परेशान हो रहे हो। दोस्तों उस दूध के अंदर नशीली दवाई मिली हुई थी। अब इस दूध के अंदर नशीली दवाई मिलाकर उनको पिला दी जाती है। सुबह जैसी होती है तो सुबह जो विनय होता है वह गहरी नींद में सोया हुआ था और काम वाली जब आती है तो विनय को जगाती है कि अभी तक भैया जी अभी तक सोए हुए हो। विनय कहता है कि आज पता नहीं नींद ज़्यादा गहरी लग गई। वह श्रद्धा आवाज़ लगाता है, लेकिन श्रद्धा घर के अंदर हो तो ना। उसके बाद वह अपने भैया को आवाज़ लगाता है, भैया भी सोया हुआ था, लेकिन इतने में ही नौकरानी झाड़ू लगाती हुई भैया के कमरे में चली जाती है राघव के में और उसको टटोल कर देखती है, आवाज़ लगाती है तो वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। दोस्तों और विनय को बुलाया जाता है, विनय जाकर अपने भाई को टटोलता है तो वह मरा हुआ पड़ा था। उसके बाद दोस्तों वह रोने लगता है माथा पकड़ करके और जो वह दोनों थी श्रद्धा और जो वैशाली, पता नहीं वह माँ बेटी थी भी या कोई और थी, वह घर के सारे जेवरात तिजोरी में से और बहुत सारा कैश चुरा करके वहाँ से फरार हो चुकी थी। रात में ही तिजोरी खाली थी। दोस्तों बड़े भाई राघव की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस आती है, राघव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि राघव दिल का मरीज था और दिल का मरीज था इसलिए नशीली दवाई को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई, यानी कि बिना मतलब के ही मौत को गले लगा लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे, क्या यह मामला अगर सोच समझ से दोनों भाई चलते तो क्या यह घटना घटित होती? क्योंकि विनय ने जिस लड़की से मेलजोल किया था, सिर्फ 4 महीने का उनका मेलजोल था और 4 महीने में ही उसने उसको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। ना ही लड़की के आगे पीछे का कुछ पता था, न जाने कौन लड़की थी, कहाँ से आई थी, क्या थी। फिलहाल उनकी सर्चिंग चली हुई है दोस्तों, और ऐसे मामले बहुत सारे देखे गए हैं समाज के अंदर। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, वरना कुछ भी हो सकता है। कभी भी रिश्ता जोड़ें तो अपनी जानी पहचानी रिश्तेदारी में से ही रिश्ता जोड़ें, किसी गहरे गहरे को किसी से भी रिश्ता ना जोड़ें, क्योंकि रिश्ता सोच समझ कर जोड़ना चाहिए। अगर सोच समझ कर नहीं जोड़ते हैं तो हमें रोना पड़ता है अंत में। तो दोस्तों अब यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ जो हमारे वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स करते हैं और अपनी अच्छी अच्छी राय हमें प्रदान करते हैं। विष्णु पटेल जो कि हमारे भाई हैं, कमेंट करते रहते हैं और बहुत ही हमें मतलब कहते हैं, उत्साहित करते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। शिव प्रकाश जी हैं जो कि अच्छी कमेंट करते हैं और ज़्यादातर वीडियो में कमेंट करते रहते हैं। विशाल पटेल जी हैं जो कि अपनी अच्छी अच्छी राय हमें देते हैं। और जगेश्वर साहू हैं जो कि ज़्यादातर कमेंट्स किया करते हैं और हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और दोस्तों सुजीत भाई हमारे हैं जो कि कमेंट्स करते हैं लगातार, बार बार कई कमेंट्स करते हैं, वीडियो के बारे में भी बताते हैं कि इसके अंदर ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, बहुत अच्छी तरह से कमेंट्स करते हैं। संजीव कुमार हैं जो ये भाई भी हमें खूब अच्छी तरह से कमेंट्स करते हैं, आभार करते हैं इनका हम। और जनरल डमडमी जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर वीडियो पर बार बार कमेंट करते हैं, और जब मैं बीमार चला था, मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, तो हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने हुए थे, लगातार लोगों से भी गुजारिश कर रहे थे कि हमारे सुदेश भाई को सपोर्ट करिएगा। तहे दिल से शुक्रिया
जनरल रमनवी भाई साहब जी। दोस्तों अगले हैं विमला ग्रीव्स, विमला ग्रीव्स जी हैं, बहन जी हैं, वो भी हमें बहुत मतलब 3-4 सालों से हमें फॉलो करती हैं और 3-4 साल से लगातार वीडियोस के अंदर हमें अपनी राय देती रहती हैं और कहानी के ऊपर जो भी स्टोरी होती है या जो भी घटनाक्रम होता है उसके ऊपर अपनी राय यहाँ पर प्रदान करती हैं कमेंट्स के अंदर। इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों जितने भी भाई हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें साहस देते हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो में भी मैं आपका नाम लूँगा, जो भी भाई कमेंट्स करेंगे और जो भी जैसी राय देंगे उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।